वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। 12 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज़ का। इसमें हमारी पहली न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ चेदडू नाम से एक स्कीम को लॉन्च किया है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम रहेगी टेलर्स, बार्बर्स एंड धोबीज के लिए। इसके अंडर 10,000 पर पर्सन फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। और इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश ने कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया है, जैसे कि विद्या दिवेना। विद्या दिवेना के अंडर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक किट बनाई जाएगी, जिसमें यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, बुक्स और बैग होंगे। इस किट को स्कूल स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। और इसी स्कीम के अंडर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 4,000 करोड़ पे एलोकेट किए गए हैं, सो दैट उनकी जो कॉलेज की फीस है उसको माफ़ किया जा सके। इसके अलावा CMAPP कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूटमेंट नाम से एक स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके अंडर एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की जाएगी, जिसके थ्रू फार्मर्स की एग्रीकल्चर नीड को मॉनिटर किया जाएगा और उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा रीस्टार्ट नाम से एक स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके अंडर 1110 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। इस स्कीम का पर्पस रहेगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बूस्ट करना स्टेट के अंदर। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के CM हैं YSR जगमोहन रेड्डी जी, गवर्नर है बिस्वाभूषण हरिचंद्र जी, कैपिटल है अमरावती। इन सभी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर एक कमेटी बनाई है। इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है, एक्चुअल में ये कमेटी पहले भी थी, अब इसको दोबारा से पुनर्निर्माण किया गया है। अब इसके 10 मेंबर हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो इसके चेयरमैन कौन है? जी किशन रेड्डी जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स भी हैं। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर कौन है? अमित शाह जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स कौन है? जी किशन रेड्डी जी, जो कि चेयरमैन भी हैं कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के। बात आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार बल्ला जी। जो भी करंट अफेयर करते हो उसका साथ साथ ही उसका स्टैटिक भी देख लिया करो, सो दैट अगर एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन उठाए तो भी आपको आता हो। तो अच्छे से स्टैटिक साथ का कवर कर लिया करो। एक तो इससे स्टैटिक याद करने में आसानी होगी, करना तो पड़ेगा ही, एग्जाम में स्टैटिक भी पूछता है वो और करंट भी पूछता है, तो अगर आप करंट से लिंक कर लोगे तो जल्दी याद हो जाएगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कि एशियाटिक लाइन की जो पॉपुलेशन है उसमें 29% की वृद्धि हुई है, अगर हम 2015 के कंपैरेटिव देखें तो। 2015 के कंपैरेटिव एशियाटिक लाइन की पॉपुलेशन में 29% का इंक्रीज हुआ है। 2015 में 523 थी, 2020 में 674 हो गई, 674। वो आपसे 2020 की नंबर फिगर पूछ सकता है कि कितने एशियाटिक लाइन हैं अभी, तो कितने हैं? 674। और भारत में कहाँ पे मिलते हैं? गिर सेंचुरी गुजरात के अंदर। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं गुजरात के। बात आई है गुजरात की, तो विजय रूपानी जी CM हैं, आचार्य देवव्रत जी गवर्नर हैं और गांधीनगर कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड GRSC ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ को डिलीवर कर दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड को, और ये फास्ट पेट्रोल वेसल की 5th बोट थी और लास्ट बोट थी इस टाइप की, तो इसको डिलीवर कर दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो बात आई है GRSE की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता के अंदर। चेयरमैन MD कौन है? विपिन कुमार सक्सेना जी। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और बात कोलकाता की भी आई है, मतलब वेस्ट बंगाल की आई है, वेस्ट बंगाल से जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसको भी देख लेते हैं। तो बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमुरा नेशनल पार्क, जल्दापरा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, महानंदा नेशनल पार्क, सुंदरबन बायोसफियर रिजर्व, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में अभी सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। जगदीप धनकर वहाँ के गवर्नर हैं
और कोलकाता वहां की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है बंबू से। तो बंबू के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी है जो वो बढ़ा दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बंबू मतलब बांस, तो बांस के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क उसको बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 10% से बढ़ा के 25% कर दिया गया है, 25%। तो ये क्यों किया गया है? सो दैट जो इंडिया के अंदर बंबू है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और बाहर से इंपोर्ट कम किया जाए। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बूस्ट करने के लिए इस बंबू अभियान को चलाया गया था, जिसके अंतर्गत ही इस इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ने ट्रनेट मशीन्स हैं जो उसको इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है और कहा है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वहां पे 15 जून तक ये मशीन्स लग जानी चाहिए वहां के हॉस्पिटल्स के अंदर। तो क्या होगा इससे? COVID-19 का जो टेस्ट रिजल्ट है वो जल्दी मिल सकेगा। तो ये वैसे जो मशीन्स हैं ये टीबी को चेक करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इसको COVID-19 के टेस्ट के लिए भी ओके कर दिया था। तो उसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको इंस्टॉल करने का फैसला किया है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, महावीर स्वामी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और लखनऊ कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कर्नाटका गवर्नमेंट से। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन कर दी है ऑनलाइन क्लासेस अप टू 5th क्लास। तो 5वीं क्लास तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगेंगी, ऐसा कहना है कर्नाटका गवर्नमेंट का, कर्नाटक की सरकार का। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के चलते कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी बच्चों से। बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, राजीव गांधी नागर होले नेशनल पार्क, पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है कर्नाटका से। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि DSRV मतलब डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया या इसको बनाया गया है विशाखापट्टनम में। तो विजाग आंध्र प्रदेश जिसको विशाखापट्टनम बोलते हैं हम, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसको क्यों बनाया गया है? टू अकोमोडेट द न्यूली इंडक्टेड सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम। तो जो सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम को इंडक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, तैयार किया गया है। तो भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिसके पास सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम होगा। अब बात आई है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की, मतलब आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इम्पोर्टेंट है वो है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर, सिरिसलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है प्रसार भारती और आयुष मंत्रालय से। तो आयुष मंत्रालय ने प्रसार भारती के साथ MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि डेली टेलीकास्ट किया जाएगा कॉमन योगा प्रोटोकॉल को DD भारती के ऊपर सुबह 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक। तो आधे घंटे का यह कार्यक्रम रहेगा जिसके अंतर्गत योगा प्रोटोकॉल सिखाई जाएंगी। तो योगा प्रोटोकॉल सिखाने का जो मोटिव है यही है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, उसके लिए लोगों को मोटिवेट करना और तैयार करने के लिए ये जो टेलीकास्ट किया जाएगा। बात आई है आयुष मंत्रालय की, तो आयुष मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? श्रीपद यशो नाइक जी। और आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। बात आई थी प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती के हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। CEO कौन है? शशि शेखर वेम्पति जी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है फिर से उत्तर प्रदेश से,
उत्तर प्रदेश ने प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लोटर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को पास कर दिया है। अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई काउ स्लोटर करता देखा गया या पाया गया तो उसको जेल हो सकती है 1 साल से लेके 10 साल तक की, और फाइन लग सकता है 1 लाख से लेके 5 लाख तक का। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से ऑलरेडी हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देख ली हैं, और यहाँ पे सरकार किसकी है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, ये भी देख चुके हैं। आप इसको अपने मन में एक बार दोहरा लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि माइग्रेंट वर्कर्स के चलते भारत में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो माइग्रेंट वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस है जो वो माइग्रेंट वर्कर्स को दिया जाएगा। तो आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स को, और ऐसा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल दिया गया है कि वो शॉर्टलिस्ट कर लें कौन कौन से माइग्रेंट वर्कर्स इसके लिए एलिजिबल हैं। और बात आई है ABPMJAY की, तो इसके CEO कौन है, डॉक्टर इंदु भूषण जी, और डॉक्टर इंदु भूषण जी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के भी CEO हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र ने अपनी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री कर दिया है। यहाँ पे CM कौन है, उद्धव ठाकरे जी, भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ पे क्या है गवर्नर, और मुंबई क्या है कैपिटल। यहाँ पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इम्पोर्टेंट है वो है चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, तोडोबा नेशनल पार्क, भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है महाराष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है इफको और ICAR। इफको मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इन दोनों ने MOU साइन किया है ज्वाइंट रिसर्च टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। बात आई है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर, और ICAR का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। ICAR के डायरेक्टर जनरल कौन है, टी मोहपात्रा जी, और ये डेयर के सेक्रेटरी भी हैं। डेयर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं टी मोहपात्रा जी, वही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के भी डायरेक्टर जनरल है। बात आई कि इफको की, तो इफको का हेडक्वार्टर तो हमने देख लिया नई दिल्ली के अंदर है, और इसके MD CEO कौन है, यूएस अवस्थी जी, यूएस अवस्थी जी। और जो ये MOU साइन हुआ है इफको और ICAR के बीच में, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा, फार्मर्स को होगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि साउनी जो एक स्कीम थी जिसके मतलब था सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम, तो ये गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम थी। इसका सेकंड और थर्ड फेज गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि 15 अगस्त 2020 और मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा, और इन फेज के अंदर 115 डैम्स के अंदर नर्मदा वाटर को फिल किया जाएगा। तो ये वाले दोनों फेज 15 अगस्त 2020 और मार्च 2021 रेस्पेक्टिवली तक कंप्लीट हो जाएंगे। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, CM और गवर्नर भी देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको रिपीट कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर। आगे न्यूज है हिमाचल प्रदेश से, और HP से न्यूज है कि इन्होंने एक योजना लॉन्च की है पंचवटी योजना। ये पंचवटी योजना का किस पर्पज से बनाई गई है, सीनियर सिटीजन के लिए। तो रूरल एरिया के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको ध्यान में रखते हुए पंचवटी योजना को बनाया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो पार्क्स हैं और गार्डन हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा हर एक ब्लॉक के अंदर, और ये मनरेगा के थ्रू इसकी हेल्प लेकर इसको बनाया जाएगा। तो ये सीनियर सिटीजन है अपना खाली टाइम अच्छे से व्यतीत कर पाए, योगा कर पाए, एक दूसरे से बात कर पाए, मिल पाए, तो उसी पर्पज से पार्क और गार्डन को डेवलप किया जाएगा। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क, पोंग डैम नेशनल पार्क,
रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पोंगडाम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा इंटरनेशनल का। इंटरनेशनल में हमारी आज की न्यूज है कि फर्स्ट वुमेन बनी है कैथी सुलिवन चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली। कैथी सुलिवन पहली महिला बनी है चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली। चैलेंजर डीप क्या है? डीपेस्ट पॉइंट है ओशियन के अंदर। तो एक से ये लगा लीजिए कि अर्थ के अंदर डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप। तो वहां पे पहुंचने वाली कैथी सुलिवन पहली महिला बन गई है। और कैथी सुलिवन पहली अमेरिकन वुमेन भी थी स्पेस में वॉक करने वाली। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। और बात आई है फर्स्ट वॉक इन स्पेस की, तो फर्स्ट पहली बार कौन सी वुमेन थी जिसने स्पेस में वॉक किया? वो थी स्वेतलाना स्वस्तिकव। और पहला इंसान कौन था चैलेंजर डीप पे पहुंचने वाला? जैकेस पिकार्ड। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। कैथी सुलिवन से जो जो इंपॉर्टेंट साथ में लिंक हो रहा है उसको भी याद करना है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट के सेक्शन में आज की न्यूज है कि सविता राठौर जी हैं जो, उनको उड़ीसा के हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया है सविता राठौर जी को। बात आई है उड़ीसा की। उड़ीसा के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है वो है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, लाखेरी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उड़ीसा में सरकार है नवीन पटनायक जी की, गणेशी लाल जी गवर्नर है, भुवनेश्वर कैपिटल है। कल भी हमने एक हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट देखी थी। कौन थे वो? जावेद इकबाल वानी जी, जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के जज उनको नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगली अपॉइंटमेंट है स्टीव एल्बर्ट्स के। तो इनको अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओयो का। तो ओयो की बात आई है, ओयो के हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। और इसके सीईओ कौन है? रितेश अग्रवाल जी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है ओबिचरी का। ओबिचरी में हमारी आज की न्यूज है पियरे नर्क नजीदा जी जो कि बारूंदी के राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया है। तो अब बारूंदी का कैपिटल क्या है? गिटेगा। और मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? फ्रैंक। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है जे अबंजनगन जी है जो डीएमके के एमएलए थे, जो उनका भी निधन हो गया है। तमिलनाडु से थे डीएमके के एमएलए, इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है जागेश मुकाती जी। जागेश मुकाती जी ये टेलीविजन एक्टर थे, गुजरात सिनेमा के अंदर इनका बहुत नाम था, इनका भी निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के सेक्शन में आज की न्यूज है कि IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने जो डोपिंग चार्जेस थे के संजीता चन्नू जी के ऊपर उसको रिमूव कर दिया है। के संजीता चन्नू जी कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनके ऊपर डोपिंग चार्जेस लगे थे जिसको के अब रिमूव कर दिया गया है। बात आई है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बुदापेस्ट हंगरी। और प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला पपेंड्रा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के सेक्शन में ही अगली न्यूज है हमारी कि डी आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 इस यहाँ कहाँ पे कंडक्ट होना है? ये यूएई के अंदर अक्टूबर 19 से अक्टूबर 2029 के बीच में 2021 में। उसके लिए भारतीय टीम को इनविटेशन आया है। तो ये पहली बार हुआ है कि भारतीय टीम को इसके लिए इनवाइट किया गया हो। डी आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 जो कि यूएई में कंडक्ट होना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इंडियन बीफ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? सुमित जैन जी, जिनको ये इनविटेशन मिला है, उन्होंने इनविटेशन ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है रैंक एंड इंडेक्स का। रैंक एंड इंडेक्स के सेक्शन के अंदर आज की न्यूज है कि रिपोर्ट ऑफ डीप टेक्नोलॉजी ग्रुप्स की सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19। तो डीप नॉलेज ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट क्या है? सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19। इस रिपोर्ट के अंदर भारत का स्थान रहा है 56th और स्विट्जरलैंड को इन्होंने सेफेस्ट कंट्री बताया है और साउथ सुडान को सबसे डेंजरस कंट्री बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगले रैंकिंग इंडेक्स में न्यूज है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है 2021 के लिए।
और इसके अंदर MIT USA को पहला स्थान मिला है, और IIT बॉम्बे को 172वां स्थान और IISc बेंगलुरु को 185वां स्थान मिला है। इसके अलावा IIT दिल्ली को 193 और IIT मद्रास को 275, IIT खड़गपुर को 314। टोटल 8 यूनिवर्सिटीज को इसके अंदर स्थान मिला है, जिसमें से IIT बॉम्बे ने टॉप किया है 172वां ऑल ओवर वर्ल्ड इसका स्थान है। ओवरऑल वर्ल्ड में टॉप किया है MIT USA ने, इसका पहला स्थान है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ है रैक एंड इंडेक्स के अंदर कि निर्फ रैंकिंग लॉन्च की गई है HRD मिनिस्टर के द्वारा। HRD मिनिस्टर कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल निशांत जी। तो उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 को जारी किया है, ये इसका 5वां संस्करण है, 5th एडिशन है। तो इसके अंतर्गत ओवरऑल कैटेगरी के अंदर IIT मद्रास को विनर घोषित किया गया है, और यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी के अंदर IISc बेंगलुरु को विनर घोषित किया गया है। इंजीनियरिंग की कैटेगरी के अंदर देखें तो IIT मद्रास विनर रहा, मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर देखें तो IIIM अहमदाबाद विनर रहा, कॉलेजेस के अंदर मिरंदा हाउस दिल्ली ने बाजी मार ली, और मेडिकल के अंदर एम्स न्यू दिल्ली पहले स्थान पर रहा, आर्किटेक्चर के अंदर IIT खड़गपुर पहले स्थान पर रहा, लॉ के अंदर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा, डेंटल के अंदर मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली पहले नंबर पर रहा, और फार्मेसी के अंदर जामिया हमदर्द दिल्ली पहले स्थान पर रहा। तो ये सारे कैटेगरीज वाइज इसकी रैंकिंग मैंने बता दी है आपको। ओवरऑल कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल कैटेगरी में सेकंड कौन है? IISc बेंगलुरु है, पहला तो IIT मद्रास है, दूसरे नंबर पे IISc बेंगलुरु है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बात आई है निर्फ रैंकिंग की, तो इसको लॉन्च किसने किया था? HRD मिनिस्टर ने। HRD मिनिस्टर तो हमारे रमेश पोखरियाल निशांक जी हैं, लेकिन HRD मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है हमारे? संजय श्यामराव धोत्रे जी, संजय श्यामराव धोत्रे जी। आगे बढ़ते हैं, अगली रैंकिंग है हमारी मर्सर्स 26th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। तो लिविंग सर्वे के एनुअल कॉस्ट पे आया है रैंकिंग, जिसको मर्सर ने कंडक्ट किया है। इसने बताया है कि हांगकांग सबसे एक्सपेंसिव है पहले नंबर पे, और मुंबई का इसने रैंक बताया है 60th इन ग्लोबल एंड 19th इन एशिया, और न्यू दिल्ली को 101वें नंबर पे रखा है, चेन्नई को 143rd पे, बेंगलुरु को 171st पे, और कोलकाता को 185th पे, और टूनिस को सबसे ज्यादा सस्ता बताया है, 209th रैंक बताया है। आगे बढ़ते हैं, बात आई है मर्सर की, तो मर्सर के प्रेसिडेंट सीईओ कौन है? मार्टिन फरलैंड जी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, अगला सेक्शन है अवार्ड्स का। अवार्ड्स के सेक्शन के अंदर शोभा शेखर जी, जो कि इंडियन म्यूजिशियन है, इनको मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। तो शोभा शेखर जी को मिला है मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये एक इंडियन म्यूजिशियन है। तो ये फाउंडर है कलाकृति की, जो एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, PM है स्कॉट मॉरिसन, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, तो अगला सेक्शन है इकोनॉमी का। इकोनॉमी के सेक्शन में आज फिर हम GDP प्रेडिक्शंस लेकर आए हैं। तो GDP प्रेडिक्शन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने भारत की GDP प्रेडिक्शन जारी की है इकोनॉमिक आउटलेट के जरिए। तो ये बताई है -3.7%, -3.7%। और इसके अलावा मैंने बर्नस्टीन की जो प्रेडिक्शन है उसको भी ऐड किया है, ये पहले नहीं था इसलिए भी इसको रखा गया है, -7% है अकॉर्डिंग टू बर्नस्टीन भारत की GDP। ये सारी बात फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी तो सारे ऑलमोस्ट सेम है। और याद है आपको कि मोदी ने हाल ही में अपनी जो रैंक रेटिंग है भारत के लिए उसको BAA3 कर दिया था BAA2 से। इसी तरह फिच रेटिंग्स ने भी अपनी कैटेगरी है जो भारत के लिए उसको BBB ही रखा है, उसको चेंज नहीं किया है। मूडी ने चेंज कर दिया था BA2 से BAA3, लेकिन फिच रेटिंग्स ने BBB ही रखा है। और फिच रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए GDP रेटिंग भारत की कही है कि 9.5% रहेगी। ध्यान रखिएगा फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग 2020-21 के लिए रेटिंग रहेगी -5%, लेकिन 2021-22 के लिए रहेगी
9.5% पॉजिटिव थी। दोनों में डिफरेंस है फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा जीडीपी 2019-20 के लिए जो भारत की रही है वो कितनी रही, 4.2%। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक्चुअल डाटा है, तो इसके ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो बात आई थी ओईसीडी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन और डेवलपमेंट की। तो उसने अपनी इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये तो बता दिया कि भारत की 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रहेगी -3.7% और वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ रहेगी -6%। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि अगर सेकेंड कोविड-19 आउटब्रेक आता है, मतलब दोबारा कोविड-19 का आउटब्रेक होता है भारत के अंदर, तो क्या होगा, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 के लिए -7.3% हो जाएगी। वर्ल्ड जीडीपी, और उसने कहा है अगर सेकेंड आउटब्रेक वर्ल्ड में अंदर आती है तो वो हो जाएगी -7.6%। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइम है अब रिवीजन का। रिवीजन के अंदर हमारा आज का क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च फ्लीजी ऐप फॉर कॉन्टेक्टलेस एंड कंसिस्टेंट एयर ट्रेवल। तो एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने संपर्क रहित लगातार हवाई यात्रा के लिए फ्लाइजी ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने फ्लाइजी ऐप को लॉन्च किया था। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो है जो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द प्लीज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।